हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं शोभित, आज हम पढ़ने वाले हैं एक नए टॉपिक को जिसका नाम है एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी लगता है एडजेक्टिव हार्ड तो आज के बाद बहुत ही इजी लगने वाला है ये टॉपिक। तो फटाफट चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट के बाद आप यही बोलोगे क्या बात है, राइट। तो ज़्यादा देरी ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसकी डिफिनेशन क्या है। एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पिछले वीडियो में, अगर आप नहीं है उस वीडियो को देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका, तो आप जाके फटाफट पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद ये देखते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं इसकी डिफिनेशन क्या है। अब आर द वर्ड्स यूज्ड ऑफ डिस्क्राइब और मॉडिफाई द नाउन और प्रोनाउन। मतलब ये वो वर्ड्स जो किसी नाउन या प्रोनाउन की गुण या विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हीं को हम एडजेक्टिव यानी विशेषण कहते हैं। सीधा सीधा हम ये समझ सकते हैं, जैसे हम लोग कभी ना कभी किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो क्या करते हैं, हम उसके बारे में कमेंट करते हैं कि यार वो व्यक्ति मोटा है, वो पतला है, वो छोटा है, वो लंबा है। हम बहुत सारे कमेंट करते हैं, तो जो हम कमेंट वो करते हैं उसी कमेंट को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स। वो जो भी उनके बारे में गुण बताए जाते हैं, वो बुरा है, अच्छा है, वो सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो हम देखते हैं एग्जांपल के तौर। उल्टा उन लोग हम लोगों को इनाम देंगे हमारी ईमानदारी के लिए, बल्कि मेरी एक फोटो भी छपेगी। यू मेरी क्यों नहीं छपेगी, लेकिन तेरी छोटी छपेगी। क्यों डिग्री नहीं ना? हाँ दोस्तों, तो आपने अभी सुना होगा कि डिग्री, तो क्या है ये डिग्री? तो अब हम जानने वाले हैं डिग्री ऑफ एब्जेक्टिव के बारे में। इससे पहले तो मैंने ये सुना था कि यार डिग्री होता है, एक बार डॉक्टर के पास जब हम लोग जाते हैं तो बताता है 90 डिग्री बुखार है, 99 डिग्री बुखार है, 102 डिग्री बुखार है। तो मतलब ये पता चलता है कि एक डिग्री से हमको पता चलता है कि एक लेवल से, मतलब आज 98 था, 99 डिग्री है, 102 डिग्री, मतलब ये लेवल बढ़ता चला था। तो डिग्री का सीधा सीधा मतलब ये है एक लेवल से। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ, मान लो आप हो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपने क्या किया, लाइक कर दिया, राइट। तो आपने क्या किया, मुझे नंबर फर्स्ट लेवल पे आपने, लेवल फर्स्ट में आपने क्या किया, लाइक कर दिया वीडियो को। आपको वीडियो अच्छी लगी, आपने लाइक कर दिया। लेकिन इससे भी ज्यादा आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपने क्या किया, सेकेंड लेवल में आके आपने लाइक भी किया एंड कमेंट भी कर दिया, राइट। लाइक किया और कमेंट भी कर दिया, मतलब हमको अपने ऊंची डिग्री में, मतलब दूसरी डिग्री को कैटेगरी में हमको भेज दिया, मतलब हमको ऊंची डिग्री बना दी, अपने हाथ से हमको दूसरी डिग्री की ओर भेज दिया। थर्ड डिग्री में क्या किया, आपको बहुत अच्छी वीडियो लग गई, तब आपने क्या किया, लेवल थर्ड में आपने क्या किया, लाइक भी किया, कमेंट भी किया, शेयर भी किया एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया। मतलब तो यहां तक सुना है कि आप दानी है, ज्ञानी है, अंतर्यामी है, बहुत बड़े स्वामी है, शक्तिमान है, बुद्धिमान है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष है। क्या इनके बारे में क्या है, कैसे हम एक डिग्री से दूसरी डिग्री में परिवर्तित कर सकते हैं, तो चलिए दोस्तों देखते हैं बहुत ही इजीली। जैसे कुछ वर्ड हमारे हैं, रिच हो गया, ओल्ड हो गया, बिग हो गया, स्ट्रांग हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, वीक हो गया, गुड हो गया, बैड हो गया, ETC। ये सारे कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, ये क्या है इनके बारे में बताना चाहूंगा। जो भी एडजेक्टिव होते हैं वो ऑलरेडी एब्सोल्यूट डिग्री यानी पॉजिटिव डिग्री के रूप में दिए होते हैं। तो हमारी फर्स्ट डिग्री कौन सी होती है, एब्सोल्यूट डिग्री या पॉजिटिव डिग्री जिसे हम कह सकते हैं। तो जो भी वर्ड हमारे होते हैं ऑलरेडी इसी फॉर्म में होते हैं, इनको इन्हें हमें अगली डिग्री में कन्वर्ट कैसे करना है ये हम जान लेते हैं। इसको कन्वर्ट करने के दो टाइप्स हैं, दो तरीके हैं, राइट। मैं बहुत ही इजीली बताने वाला हूँ, 5 मिनट के अंदर आप सीखने वाले हो डिग्रीज क्या होती हैं और आपको बताने वाला हूँ। चलिए, जैसा कि दोस्तों आप सभी देख पा रहे होंगे, हमारी डिग्री 3 कैटेगरी में डिवाइड की गई हैं। पहली जिसे एब्सोल्यूट डिग्री यानी पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, सेकंड कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड सुपरलेटिव डिग्री। तो डिग्रीज हैं क्या, अब जैसे मैं एक एग्जांपल की तरह बताता हूँ आपको। जैसे मान लो हमारा एक एडजेक्टिव है रिच, तो ये कहाँ है, ऑलरेडी मैंने बताया था पॉजिटिव डिग्री के अंदर होता है, तो इसमें रखा है ये रिच, इसका तो ये पॉजिटिव डिग्री तो रिच ही रहेगी। लेकिन अगर इसको हम, इसे हमें रिच से अगर कंपलेटिव डिग्री में बनाना है तो क्या करेंगे, तो इसको हम सीधा सीधा सिस्टम यह, इसका मतलब है वह अमीर है। जैसे मैंने एक उदाहरण के तौर पे बताया कि मोहन एक
अमीर व्यक्ति है। तो मोहन तो बहुत खुश हो गया कि यार मैं अमीर हूँ, मुझसे अमीर कोई है ही नहीं। उसके बाद मैंने क्या कहा, मोहन से कहा रुको, तो फिर मैंने आगे क्या किया, इसी को उठा के इस कटागरी में रख दिया। यहाँ पे क्या किया, खाली मैंने रिच को लिख करके लास्ट में ई आर ऐड कर दिया, राइट, क्या कर दिया, ई आर ऐड कर दिया। तो अब क्या ये हो गया, फिर मैंने मोहन से कहा एकता इज रिच रिचर, एकता इज रिचर देन मोहन। अब क्या हुआ, मोहन का मुंह सूख गया, मतलब मैंने कह दिया एकता अमीर है मोहन से ज्यादा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, मोहन का मुंह सूख गया, मतलब हमने एकता को ज्यादा लेवल ऊंचा दे दिया, जैसा कि लाइक वाला सिस्टम था, यहाँ पे एकता को मोहन से ज्यादा रिच बना दिया। लेकिन अगर इसकी थर्ड घटाली हमारी ये होती है, अगर आपको किसी को और भी ऊंचा दर्शाना, मतलब मोहन और एकता से भी ज्यादा ऊंचा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिच के अंदर रिचेस्ट ESTI ऐड कर देंगे। तो ये क्या है, ये हुआ अमीर, ये ज्यादा अमीर, ये सबसे ज्यादा अमीर, अब इससे ऊंचा कुछ हो ही नहीं सकता। तो सबसे अमीर क्या कौन हो गया, ये, राइट। तो ये हमारी थी पॉजिटिव डिग्री, जिसमें ऑलरेडी कोई भी एडजेक्टिव होता है उसको हमको अगर कंपलेटिव डिग्री में परिवर्तित करना है तो हमको ER ऐड कर देना है, अगर उसको सुपरलेटिव डिग्री में परिवर्तित करना है तो ESTI ऐड कर देना। जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, हमारा है ओल्ड, तो ओल्ड का क्या होगा, ये तो ओल्ड ही रहेगा, इसका कंपलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, ओल्ड में ER जोड़ देंगे, ओल्डर हो जाएगा। अगर इसकी थर्ड डिग्री की बात करें सुपरलेटिव डिग्री, तो क्या करेंगे, ओल्डेस्ट, राइट। ये क्या हो गया, बूढ़ा, ज्यादा बूढ़ा, सबसे ज्यादा बूढ़ा, राइट। लेकिन अभी यहाँ पे हमारा ओल्ड है, बिग बिग में भी यही अप्लाई होगा, लेकिन ये क्या है, ब्यूटीफुल। अब आप बोलोगे यहाँ पे आके रुक कैसे गए, इसके पीछे एक लंबी कहानी है, चलो उसको हम पढ़ते हैं बहुत ही इजीली तरीके से। इसको बनाने का एक दूसरा तरीका है, वो क्या है, मैं आपको सिखाता हूँ। तो देखते हैं ब्यूटीफुल का कैसे बनेगी कंपेरेटिव डिग्री, कैसे बनेगी सुपरलेटिव डिग्री, बहुत ही इजी तरीके से। तो देखिए ये क्या लिखा है, वन सिलेबल एंड सेकंड सिलेबल। ये सिलेबल क्या होता है, अब ये तो पता नहीं यार, सिलेबल क्या होता है, इससे क्या होगा, कैसे क्या होगा, आइए मैं जब तक मैं हूँ तब तक कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, देखते हैं क्या होता है ये। वन सिलेबल उसे कहते हैं जो वर्ड एक बार में कहा जाए, जैसे रिच, क्या आप रिच को दो तरीके से कहोगे, रिच ऐसे कहोगे, नहीं, रिच को एक तरीके से कहेंगे हम, रिच मतलब एक वर्ड में, एक बार में कहे जाने वर्ड किसमें आते हैं, वन सिलेबल के अंदर, राइट। अब जैसा कि रिच हो गया, रिच को तो दो बार कहेंगे नहीं, रिच दो बार में थोड़ी ना कहेंगे, एक बार में कहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वन सिलेबल के, मतलब फर्स्ट सिलेबल में आएगा। दूसरा वर्ड ओल्ड, इसको भी ओल्ड दो बार में तो कह नहीं पाएंगे, ये भी कहाँ आएगा, वन सिलेबल के अंदर। थर्ड है बिग, इसको भी एक बार में कहेंगे, तो जितने सारे वर्ड हैं वन सिलेबल के वो सारे इसी तरीके से बनेंगे जैसे अभी मैंने बताया है। कंपलेटिव डिग्री बनाने के लिए ER ऐड कर देंगे, सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए ESTI ऐड कर देंगे, उनकी डिग्री चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर कोई भी वर्ड टू सिलेबल का या थ्री सिलेबल का, यानी तीन सिलेबल का होगा, तो उसको डिग्री अदर डिग्रीज में कैसे चेंज करना है ये जानते हैं। अगर कोई भी वर्ड, जैसे अब आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल, ये कितने सिलेबल का है, दो, ब्यूटी एंड फुल, मतलब ये दो बार में कहा जा रहा है, तो कितने सिलेबल है इसमें, दो सिलेबल। दूसरा एग्जांपल एक है हमारा इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग ये कितने सिलेबल का है, तीन सिलेबल का। तो इनको हम कैसे चेंज करेंगे डिग्रीज के रूप में, तो जानते हैं बहुत ही ईजी तरीके से करेंगे। कोई भी वर्ड है, मान लेते हैं ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल, तो इसको हमको कंपलेटिव डिग्री में जोड़ना है, तो ER से तो काम चलने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको कंपलेटिव डिग्री बनाने के लिए इसके आगे मोर जोड़ देंगे, क्या करेंगे, मोर जोड़ देंगे, तो क्या करेंगे, मोर ब्यूटीफुल, क्या हो जाएगा इसका, मोर ब्यूटीफुल, इसका था ब्यूटीफुल, ये क्या हो गया, मोर ब्यूटीफुल। अगर इसको सुपरलेटिव डिग्री में बनाए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इजीली तरीके से यहाँ पे मोर की जगह पे मोस्ट ऐड कर देंगे, बन जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल, राइट। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही तरीके से करना क्या है। अगर फर्स्ट लेवल का है तो ER और ESTI जोड़ के हमको डिग्री में कन्वर्ट कर देना, अगर कोई भी वर्ड हमारा सेकेंड या थर्ड या फोर्थ लेवल का आ जाए तो उसको कैसे बनाएंगे, कंपलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर जोड़ देंगे, देन सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोस्ट ऐड कर देंगे। जैसे आप देख सकते हो एक दूसरा उदाहरण हमारा इंटेली इंटरेस्टिंग, राइट। इंटरेस्टिंग का क्या होगा, ऑलरेडी हमारा पॉजिटिव डिग्री में होता है तो उसको सेम ऐसे लिख देंगे,
इन इंटरेस्टिंग, इसका क्या हो जाएगा, मोर इंटरेस्टिंग, मोर इन इंटरेस्टिंग, एंड थर्ड में क्या हो जाएगा, मोस्ट इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। तो राइट दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, आगे क्या पढ़ने वाले हैं, हम एक नोट पॉइंट के बारे में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी फिक्स होते हैं, जी हाँ दोस्तों, उन पर ये कोई रूल काम नहीं करता है जो अभी तक हमने पढ़ा है। तो क्या है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ आपको, एक एडजेक्टिव लेता हूँ गुड, ये क्या है, गुड। तो इसका क्या होगा, इसका जो कम्पलेटिव डिग्री होगी इसकी बेटर होगी, बेटर, राइट। और इसका जो सुपरलेटिव डिग्री होगी वो क्या होगी, बेस्ट, बेस्ट। ऐसे कुछ एडजेक्टिव आते हैं जो ऑलरेडी फिक्स होते हैं, उनको किसी भी रूल द्वारा चेंज नहीं किया जाता। तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये नहीं सोचना है कि यार ये कैसे आएंगे, जब तक मैं हूँ कोई टेंशन नहीं है। आप फटाफट पे स्क्रीन पे आपको आईडी दिख रही होगी, आप फटाफट जाके हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कीजिए, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा और वहाँ से पूरा पीडीएफ आपको मिल सकता है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली जाके इंस्टाग्राम को फॉलो करके वहाँ से लिंक ले सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।